ये एजेंट है, ये एजेंट है, CIA की जासूसी पूरी करता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन बैठा, सेना से जवाब मांगा, निर्भया से जो कांड में सिलाई मशीन देता है, जो दुष्कृत करता है उसका ये से कोई लेना देना नहीं। जब उसने सेक्स किया, गुप्तांग में सलाख डाली, तब तो वो कमेज का नहीं था। अब उसने रेप कर लिया, जब फांसी का नंबर आया तो भैया वो कमेज का कैसे हो गया? 10,000 रुपये सिलाई मशीन। तो केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल के किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो केजरीवाल क्या उसे सिलाई मशीन देते? नहीं, उनके कॉल ही माननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सर्जिल इमाम पैदा हो गया, गिरफ्तार से सर्जिल इमाम पैदा होते रहेंगे जब तक इनको फांसी पे नहीं लौटा हुआ। अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है, गिरफ्तार करिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान जो शाहीन बाग है ये केजरीवाल की देन है। वहाँ का उनका जो विधायक है अमानतुल्ला खान, उनका वहाँ समर्थन है, ठीक है, और उन्हीं ये आम आदमी पार्टी जब तक नहीं चाहेगी ये धरना नहीं खत्म होगा। ये केजरीवाल का झंडा ये तनख्वाह दी है। अरे यार हिंदुओं को क्या दिया, केजरीवाल केजरीवाल वो आदमी है, इसका बैकग्राउंड देखो, ये क्रिश्चियन है, इसका बैकग्राउंड देखो सबके, हाँ क्रिश्चियन है भाई, सुनो ये क्रिश्चियन कभी भी ये CIA एजेंट है, ये CIA एजेंट है, ऐसे नहीं हो। और सुनो तो ये राष्ट्रपति भवन पर 26 जनवरी को बैठता, ऐसा नहीं है, ये 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन पे बैठता है। राष्ट्रपति भवन पे क्यों? जब राष्ट्रपति विरोध करता क्यों नहीं हटता है? ये सेना से सबूत मांगता, ये सेना से सबूत क्यों? ये मुख्यमंत्री है ना दिल्ली का, क्यों गलत है? सुनो, अगर आप रिलीजन के तौर पे डिवाइड करते हैं तो ये बहुत गलत है। अगर कि वो क्रिश्चियन है, वो सरदार है, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, सुनो सबसे पहले ये बताइए कि अभी शाहीन बाग में जो गोली चली थी, ये पाया गया जिस व्यक्ति ने चलाई थी उसका आम आदमी पार्टी से ताल्लुक निकल रहा है, उस पर क्या कहिएगा? उसमें केजरीवाल के ऊपर बात आ रही है, लेकिन अभी इस चीज का पूरी हो गई है, सब पुष्टि हो गई है। ये लोग ये हैं, सामने बोलते हैं कि हम सही हैं, पीछे से कुछ और हैं। ये कहता क्रिश्चियन क्यों बोला? ये एजेंट है, CIA की जासूसी पूरी करता है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन बैठा, सेना से जवाब मांगा, निर्भया से जो कांड में सिलाई मशीन देता है, जो दुष्कृत करता है उसका ये से कोई लेना देना नहीं। जब उसने सेक्स किया, गुप्तांग में सलाख डाली, तब तो वो कमेज का नहीं था। अब उसने रेप कर लिया, जब फांसी का नंबर आया तो भैया वो कमेज का कैसे हो गया? 10,000 रुपये सिलाई मशीन। तो केजरीवाल जी, अगर केजरीवाल के किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ होता तो केजरीवाल क्या उसे सिलाई मशीन देते? किस युवा की बात हो रही है? पूरा देश सुलगा दिया इन्होंने आग में, किस युवा की बात हो रही है? नहीं, उनके कॉल ही माननी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने सर्जिल इमाम पैदा हो गया, गिरफ्तार से सर्जिल इमाम पैदा होते रहेंगे जब तक इनको फांसी पे नहीं लौटा हुआ। सवाल तो वही है केजरीवाल जी क्यों हमेशा अपराधियों की साइड? एक मिनट, दिल्ली की सरकार इतनी पावरफुल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी। दिल्ली सरकार इतनी पावरफुल है कि शाहीन बाग लगा रहेगा। ये यहाँ की सरकार या ये पुलिस, वो सेना बल, ये शाहीन बाग को नहीं खुलवा सकती। किसका था ये अमानतुल्लाह? किसका जामिया कहाँ शुरू हुआ? ये पुलिस आपकी, मतलब आप ये कह रहे हैं आतंकवादी है अरविंद केजरीवाल? आतंकवादी है, गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करिए को पाकिस्तान फंडिंग आती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान जो शाहीन बाग है ये केजरीवाल की देन है। वहाँ का उनका जो विधायक है अमानतुल्ला खान, उनका वहाँ समर्थन है, ठीक है, और उन्हीं ये आम आदमी पार्टी जब तक नहीं चाहेगी ये धरना नहीं खत्म होगा। ये उन्हीं की मेहरबानी से, उन्हीं की बिरयानी के थ्रू ये सारा धरना चल रहा है। जो केजरीवाल के कह रहे हैं, एक मिनट, केजरीवाल का काम किया है,
पहले इन्होंने कहा हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, एलजी जी ने काम नहीं करने दिया। उसके बाद केजरीवाल जी कहते हमने पूरा विकास किया है। तो अब या तो इन्होंने काम नहीं किया है या इन्हें मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, दो ही चीज़ें हो सकती ना, या ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, केजरीवाल जी ने जब पार्टी बनाई थी 26 जनवरी के दिन ये राष्ट्रपति भवन पे अनशन दे रहे थे, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी ने बोला था कि इसे यहाँ से हटाओ, ये इसलिए किस लिए बैठा था, और ये कह रहा था कि हम तय करेंगे देश का प्रधानमंत्री कहाँ बैठेगा, देश का गृह मंत्री कहाँ बैठेगा। उस समय तो बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी केंद्र में। तो एक ऐसा ये आदमी है खतरनाक, इसको वोट देना एक 200 रुपए के चक्कर में खतरे से खाली नहीं है। हम इसका सपोर्ट करते हैं, काम के लिए, लेकिन इसका विरोध इसलिए करते हैं कि एक देशद्रोही है, और ये जहाँ तक है CIA का एजेंट है। सर, आप आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए हैं, अभी एक सवाल और उठता है कि निर्भया की मां ने केजरीवाल जी पे आरोप लगाया कि केजरीवाल इस केस में राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है कि किसी रेप विक्टिम की मां किसी राजनेता पर ऐसा आरोप लगा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? उनके माता जी, सर, जब मैंने इनसे पूछा तो अभी इस बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। देखिए न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में टाइम लगता है। अभी आप दिखाइए आज तक पे कितना टाइम लगता है क्या? और क्या उसने 75 लाख रुपए दिए, केजरीवाल जी ने विकास किया है। 8 तारीख है, जनता फैसला कर देगी किसने काम किया। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं हमने काम किया या नहीं किया, लेकिन ये पूरे 5 साल केजरीवाल जी 4 साल 6 महीने चिल्लाते रहे कि हमें LG मोदी जी ने काम नहीं करने दिया। तो काम नहीं करने दिया भैया, तो तुमने कहा कि अपोर्ट क्यों झूठा लगाया कि लगे रहो केजरीवाल अच्छे पीछे 5 साल मोहल्ला क्लिनिक, खुद का तो दम फट रहा है। सर, इस बार दिल्ली में बिजली पानी के साथ साथ एक मुद्दा और है, वो शाहीन बाग का। तो क्या कहेंगे कि शाहीन बाग में ये पाया जा रहा है जिसने गोली चलाई वो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक है उसके? देखिए, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा जो विलन होता है ना, वो किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसे हमारे श्रीमान केजरीवाल जी हैं, ये भी राजनीति के एक विलन है, और इन्हें सब एक प्रायोजित करा रहे हैं। ये दिल्ली का जो है इस्लामाबाद बनाना चाहते हैं, दिल्ली का कराची बनाना चाहते हैं। तो लंदन बना रहे थे, कराची का लंदन। तो भैया इनके कार्यालय आप देखोगे, आप चौंक जाओगे, सड़क पे पानी। और ये जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, केवल वहाँ पे एक तो पैरासीटामोल मिल रही है, वो भी कहीं कहीं नहीं मिलती, 2-3 दवाइयाँ और सफदरगंज और कहीं भर्ती के लिए 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये कमीशन ले रहे हैं लोग। तो ये सब इनका गरीबों की पार्टी थी, गरीबों का भला करने आई। अरे भैया सुनो, मैं बताऊंगा, इन्होंने अपनी राजनीति अन्ना से शुरू करी और ये जिन्ना पर चले गए हैं। ठीक है भैया। सर क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति अन्ना से शुरू करी और जिन्ना पे खत्म कर दी। मैं बताना चाहूंगा, मैं केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से तब से जुड़ा हूँ जब से ये स्टार्ट हुई थी, और मेरा पूरा परिवार आम आदमी का वोटर था। लेकिन हम इसलिए जुड़े थे कि राजनीति में कोई काम करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन इन्होंने जो हालत अब दिल्ली की कर दी है, हम बिल्कुल जो हम जुड़े हुए थे, हम बिल्कुल आम आदमी पार्टी की तरफ मुंह भी नहीं करना चाहते, हम बिल्कुल भाजपा को सपोर्ट करेंगे। और आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने अच्छे वोटर थे, आप अब बात नहीं कर? जी, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवाद। केजरीवाल आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है, हमारे लिए बाकी सब चीज़ें बात की हैं, सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्रवाद है, अपना देश है। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हमारी बेटियां हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो ये बाकी की सब चीज़ें हैं। और ये सब चीज़ें मीडिया को दिखाने के लिए हैं। दिल्ली में कुछ नहीं हुआ इन 5 सालों में, ये अभी ये बताइए इन 3 महीनों में विकास क्यों हुआ? अब से पहले जो 4.5 साल थे उनमें विकास क्यों नहीं हुआ? ये 3 महीने में विकास खाली इसलिए हुआ कि चुनाव नज़दीक थे, खाली ये दिखाने के लिए विकास था। और सबसे पहले हमारे लिए राष्ट्रवाद है। अगर ये केजरीवाल आतंकवादियों का साथ देता है तो हम बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं, और हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, बस। देखिए, केजरीवाल जी की बात ही है, कल उन्होंने ये कहा कि कल उनका सेंट्रल पार्क में जो डिबेट थी, उन्होंने ये बोला कि यहाँ जितने भी दिल्ली वाले वासी बैठे हैं, देखो कितने बैठे हैं, हजारों की तादाद में बैठे, इनसे पूछिए हमने क्या काम नहीं किया। तो हम तो ये कहते हैं कि वो दिल्ली के थे ही नहीं, वो सारे पंजाब से बसे भर के आई थी जो वहाँ पर बैठे थे। और केजरीवाल जी आप बिल्कुल पैसे दे के बुलाए थे, बसे आई थी, जैसे बिरयानी दी जाए शाहीन बाग में। और मैं तो केजरीवाल से ही कहूँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें 5 साल जो गंदा पानी पिलाया उसके लिए मैं आपका इनाम दूंगा, बाबू जी का। केजरीवाल जी ने अभी एक बिरयानी के आम प्रवक्ता आए थे
आम पार्टी के, वो यहाँ बिरयानी खा के कांप रहे थे, कंपन हो रही थी और ठंड में पसीना आ रहा था। अगर इस देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है, और बस यही मैं कहना चाहता। धन्यवाद सर। शाहीन बाग पर जो जिस व्यक्ति ने गोली चलाई थी, ये कहा जा रहा है कि वो आम आदमी पार्टी से उसके ताल्लुक है, उस पर क्या कहेंगे? वो बिल्कुल है आम आदमी पार्टी से ही जुड़ा हुआ है, उसकी फोटो आई है ट्विटर पे, फोटो पोस्ट करी है, और केजरीवाल ने दिल्ली को एक कूड़ा बना के रखा है। कोरोना वायरस से खतरनाक केजरी वायरस, खतरनाक केजरी वायरस है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। दिल्ली को कूड़ा बना के रखा है, झूठी झूठ बोल बोल के इसने दिल्ली की जनता को गुमराह करा। स्कूल बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं करा इसने। 12,000 करोड़ रुपया जो है इसने सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया है, जनता का पैसा। एक एक रुपया लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। और सिर्फ कि मैं पोल्यूशन ख़त्म कर दिया, मैंने बिजली पानी ये फ्री कर दिया, तो मैंने लंबा कर दिया, मैंने चौड़ा कर दिया, मतलब ये आदमी सोच रहा है मुझे तो आना नहीं है। जाते वो कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी सही, जो मिले साला लपेट कर ख़त्म करो और अपना नाम अमर कर लो दुनिया में। और इसने जो सबसे बड़ा जो आप पार्टी और शाहीन बाग ने जो किया है, गलत काम किया है, जो इसने यहाँ का वीडियो बनाकर विदेश में प्रचारित कर रहा है और विदेश में भारत का इमेज खराब कर रहा है, और वहाँ जो है वो उसने वहाँ पर विदेशों में वहाँ पर नौटंकी सभा लगवा कर वहाँ पर ये कर रहा है कि इंडिया के खिलाफ ये नारा लगवा रहा है।